Hi friends, welcome to Sarkandron LDC classes. In this class we are going to discuss the previous questions of ticket examiner of railway LDC which has been held on 26th June 2010. The purpose of this class is to know the level of English grammar, which type of question has been asked in previous exams. No doubt, nowadays, after 2018, the exam pattern has been changed. Question will be come in objective mode, but the English grammar question will be same, okay? So the motto of this class is to know the level of question and the sector from which question has been asked, okay? Let us start the class. Promotion quota, promotional quota. Exam of ticket examiner, exam date 26 June 2010, part A. Question, pick the correct words. Question है, pick the correct words. Sunil wants to dash a new pencil. Here option has been given, buy or buy. Here two buy has been given, BUY. Buy means purchase. This buy means purchase. Hindi Kharidna. This buy means throw. That here Sunil wants to a new pencil. Sunil wants to purchase a new pencil. That means your option will be buy. 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 Sunil ek pencil kharidna chah raha hai. पेंसिल खरीदना चाह रहा है, तो यहां देखिए इस बाई का मतलब होता है खरीदना, इस बाई का मतलब होता है द्वारा। तो सुनील क्या करेगा, बाई करेगा। तो किस तरह का इस यहां स्पेलिंग होगा, बी यू वाई। होमोफोन्स होते हैं इन इंग्लिश ग्रामर, होमोफोन्स मींस इन हियरिंग व्हाट इज सेम बट मीनिंग इज डिफरेंट। इंग्लिश ग्रामर देयर आर सो मेनी होमोफोन्स, होमोफोन्स इन हियरिंग what is same but meaning is different, as like here BUY, buy means purchase, buy means throw, dwara. यहाँ दोनों buy ही हैं, एक खरीदने का मतलब होता है, एक करने के sense में होता है, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, according to option BUY, buy is your answer. Second one, A dash has 7 days, week, 2 weeks. WEAK, weak means होता है कमजोर, WEAK, weak means होता है कमजोर। ए डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक मींस होता है सप्ताह। तो यहां जो पूछ रहा है, ए डैश है 7 days, 7 days किस में होते हैं, वीक में होते हैं, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू के, डब्ल्यू डब्ल्यू के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है, माई फादर लाइक्स टू स्विम इन द, यहां देखिए सी, इस सी का मतलब होता है एस ई ए, सी मींस होता है देखना, सी मीन्स क्या होता है देखना, सॉरी इसी का मतलब होता है समुद्र, इसी का मतलब क्या होता है समुद्र, एस डब्ल्यू सी मतलब होता है देखना, ठीक है? तो माई फादर लाइक्स टू स्विम, मेरे पिताजी तैरना पसंद करते हैं। तो पिताजी तैरना कहां पसंद करेंगे, सी मीन मतलब समुद्र में, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है, उसका स्पेलिंग होता है एस ई ए सी, इस सी का मतलब होता है S E A, इस C का मतलब होता है समुद्र, S W C का मतलब होता है देखना, ठीक है ना? यहां हो जाएगा C, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। They have gone back to, वे लोग वापस चले गए कहां, T H E I R, दे के साथ लगता है, T H E I R, दे का वो रिलेटिव है, ठीक है? देयर का मतलब होता है वहां, T H E I R दे के साथ लगता है, दे हैव गॉन बैक टू देयर हाउस, तो यहां हो जाएगा T H E I R, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? माई मदर इज मेंडिंग द डैश इन माई शर्ट, देखिए WHOL का मतलब होता है पूरा, WHOL का मतलब होता है पूरा, HOLE का मतलब होता है छेद करना, HOLE का मतलब क्या होता है छेद करना। तो कहता है मदर इज मेंडिंग द
होल इन माई शर्ट, मदर जो है मेरे शर्ट में होल कर रही है, तो यहाँ पे एच ओ एल ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच ओ एल ई हो जाएगा, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन था गिव करेक्ट मीनिंग एबव, एबव मतलब ऊपर होता है, एबव मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन देखते हैं इसमें से कौन सा करेक्ट वर्ड होगा, ह्यूज मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है, ह्यूज मतलब क्या होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है, बिग मतलब भी बड़ा होता है, हेवी मतलब भी भारी होता है, एबव मतलब ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, समझिए, एबव मतलब ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, इसका मतलब है कि सिनोनिम पूछ रहा है, साइनोनिम पूछ रहा है, तो एबव का हो जाएगा ओवर आंसर। कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है एबल टू डू, जैसे हम लोग कहते हैं कि यू आर कैपेबल टू डू दिस वर्क, मीन्स यू आर एबल टू डू दिस वर्क, तो कैपेबल, कैपेबल का मतलब हो गया एबल टू डू, ये इसका साइनोनिम हो जाएगा। चेंज, चेंज का मतलब होता है अल्टरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना, किसी काम को करना, कंफ्यूजन मतलब होता है संकोच होना, संदेह होना, अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव करना, अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव करना, चेंज करना, तो चेंज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2010 के जो है क्वेश्चन पूछा, अंग्रेजी में पूछे गए थे, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन था इसको देखते हैं, ठीक है ना। इसल जो क्वेश्चन है कि फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से ऑड बताना है कि ऑड कौन सा है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन था ए में टी है, कॉफी है, कोल्ड कॉफी है, जूस है, तो इस चारों में ऑड कौन सा है, चारों में ऑड कौन सा है, तो जूस हमारा जो हो जाएगा वो ऑड है, बाद बाकी सब जो है ना वो टी कॉफी कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था ए में बेडशीट है, दो में पिलो कवर है, तीन में साड़ी है, डी में पिलो है, इसमें ऑड कौन सा है बताना है, बेडशीट है, पिलो कवर है, साड़ी है, पिलो है, इसमें जो है ना हमारा साड़ी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, साड़ी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, चूंकि बेडशीट, पिलो कवर, पिलो एक फैमिली का, एक कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्पून है, टम्बलर है, फॉर्क है, नाइफ है, इसमें बताना है कि इसमें जो है ऑड कौन सा होगा, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा हम छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 है कैरोट है, राइस है, वीट है, मेज है, इसमें से ऑड कौन सा है, देखिए राइस है, वीट है, मेज है, ये सब एक फैमिली का है, हमारा कैरोट क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हाउस फ्लाई है, लायन है, बटरफ्लाई है, बी है, इसमें से ऑड कौन सा है, इसमें से ऑड हमारा हो जाएगा लायन हो जाएगा, क्योंकि हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, बी ये सब एक कैटेगरी का है, लायन ऑड है। क्वेश्चन नंबर 6 में था कबोर्ड था, सोफा था, चेयर है, डेस्क है, इसमें बताना है कि इसमें से ऑड कौन सा है, ठीक है ना, इसमें से ऑड कौन सा है, इसका भी आंसर जो है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है पेंसिल है, पेन है, शार्पनर है, पेंट ब्रश है, इसमें से ऑड कौन सा है, ठीक है ना, तो पेंसिल से भी लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं, पेंट ब्रश से भी पेंट वगैरह करते हैं, तो इसमें से जो है शार्पनर हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था सैटेलाइट है, मार्स है, स्टार है, जुपिटर है, इसमें से ऑड कौन सा है, ठीक है, ये मार्स है, जुपिटर है, ये सैटेलाइट सब इसमें से इसी कैटेगरी के थे, स्टार हमारा ऑड हो सकता है, लेटर है, एनवेलप है, टेलर है, पोस्टमैन है, इसमें से ऑड कौन सा होगा, तो देखिए लेटर है, एनवेलप है, पोस्टमैन है, तीनों एक कैटेगरी का, टेलर ऑड है, टेलर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम लोग देखें कि टिकट एग्जामिनर का जो एग्जाम हुआ था 26 जून 2010 को, उसमें किस तरह के अंग्रेजी ग्रामर पूछे गए थे और कुछ इस तरह के जो है कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।